गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम कल रात को कोटा आ गए थे, और है ना, अभी यहाँ पे मम्मा जी कर रही खाने की तैयारी। वैसे तो मम्मा जी क्या बनाओगे आज खाने में? सफेद तो की दाल देख रही हूं, लेकिन दाल मिल नहीं रही और दाल है जरा सी। अच्छा, और मम्मा जी घर आके बहुत अच्छी, मतलब अच्छा लग रहा है ना, अपना घर अपना ही होता है। अरे मतलब उस वजह से नहीं बोल रहा यार, हम गलत वे में ले गई। चल गाइस, अभी कैसे ऐसा कि मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल किसी काम से, तो है ना, चलो चलते हैं। बहुत आवाज़ हो रही है आज तो यहाँ पे, ये देखो पूरी धूल जम चुकी है गाइस दोनों गाड़ियों में, ये कागज़ पता नहीं कौन फंसा के चल जाता है। फाइनली मेरी कई समय की मेहनत के बाद मैंने दोनों गाड़ियों को चमका दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और चलो अब चलते हैं स्कूल के लिए, और आपको तो वहीं पहुँच के मिलेंगे। तो पता नहीं क्या हो गया था, बहुत देर तक स्कूटी ऑन ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे गार्डन करके थोड़ी सहायता लेके स्कूटी चालू कर ली हमने, और हम निकल चुके हैं। तो चलो आपको सीधा अपने स्कूल को पहुंच के मिलेंगे। मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, अपनी स्कूटी मैंने यहीं पे लगाई है, और चलो आपको यहां से थोड़ी देर फ्री होकर मिलता हूं। बात तो सुन नहीं आ रहा है भाई, मेरे भाई। और क्या सब बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया। और कहाँ घुमा इस बार? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन किधर किधर घुमा ये तो बता। छुट्टियों में कहीं नहीं घुमा, बस कोटा कोटा पूरा छान मारा एक चप्पा नहीं छोड़ा भाई ने। भाई सुबह 6 बजे कौन कॉल करता है बता। नमन भाई, अरे बाल पूरे गायब हो चुके। कैसे भाई, कैसे आपने बाल देखे होंगे मेरा दिन भर। और कहाँ पे काम ने घूमने, कहाँ पे घूमने गया बता? पोलियो हो गया, घूमने तो यार बस पोलियो घूम गया है। उदयपुर गया, सही है यार, झीलों की नदी। और तू गोवा गया? वाह यार, ठीक है भाई यार। तो गाइस, अभी ने अपने दोस्त को उसके घर पे छोड़ा है, जो गया रास्ते में था, तो चलो अब चलते हैं अपने घर। गाइस, अभी किसी ने ऐसा है कि मैं आया हूँ अपने पापा जी के होटल में किसी काम से, और आपको गाइस अब यहाँ से थोड़ी देर में फ्री होके मिलता हूँ। गाइस फाइनली मैं यहाँ से फ्री हो चुका हूँ, और गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सच्ची में 3 बज चुकी है लिटरली, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने, तो चलो अब चलते हैं। फाइनली मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, स्कूटी मैंने यहीं पे लगाई है, और सच्ची में बाहर बहुत शोर हो रहा है, जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हो, पीछे तारी होगी। अब खाना खाते, और खाने में गाइस आलू गोभी की सब्जी, दाल और रोटी, और साथ में गाइस मीठे में लड्डू भी है, और साथ में काजू कतली, ऐसा भी कुछ है। आपको सीधा खाना खा के फ्री होके मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने बनाई है मम्मा जी और पवन के लिए चाय, और गाइस यहाँ पे चल रही है दोबारा से पैकिंग। और गाइस ये पैकिंग क्यों चल रही है आपको कल बताऊंगा गाइस, और गाइस आने वाले लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। और बाकी गाइस अपने जिम का टाइम हो चुका है, तो चलो जिम के लिए निकलते हैं। तो गाइस हमने बैग ले लिया। और गार्ड अंकल कैसे हो, सब बढ़िया? बढ़िया रहना चाहिए यार गार्ड अंकल। तो गाइस आज जिम जाएंगे बाइक से बहुत दिनों के बाद, और चलो गाइस आपको सीधा जिम पहुंच के मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं जिम पहुंच चुका हूँ, बाइक में नहीं भी लगाई है, और गाइस इतने दिनों के बाद बाइक से लगे तो मज़ा ही आ गया, और चलो आपको सीधा जिम से फ्री होके मिलता हूँ। तो गाइस अब मैं ना इस बैग को लेके थोड़ी देर तक सीधे ऊपर नीचे चढ़ रहा हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि कई सारी एक्सरसाइज करके जिम से मैं फ्री हो चुका हूँ, तो चलो अब चलते हैं घर पे। और यहाँ पे हल्की बहुत बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ गाइस, बहुत एक्सरसाइज करी मैंने। मुझे घर पे जल्दी आना पड़ रहा है, क्योंकि है ना घर पे क्या मेहमान आने वाले हैं हमारे आज कुछ, जिनके मतलब वो पापा जी के दोस्त, जिनके हम कल घर पे गए थे, वही आ रहे हैं गाइस। चलो चलते हैं। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं आया था राम भगवान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, तो लो गाइस आप भी दर्शन कर लो। तो गाइस मैं दर्शन करके फ्री हो चुका हूँ, आपको भी दर्शन करा दिए, तो है ना चलो अब चलते हैं घर पे, और आपको सीधा घर पहुँच के मिलेंगे। तो
फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और अपने रिलेटिव्स भी आ चुके हैं और आंटी जी सब बढ़िया। व्लॉगिंग करता हूँ मैं, पता है ना गाइज, इनको बहुत वेट करना पड़ा मेरी वजह से क्योंकि मेरे को टाइम लग गया आने में। तो वैसे यहाँ पे बन रहे रिलेटिव्स के लिए चाय और गाइज मम्मा जी और पवन तो पता नहीं किधर निकल गए। चाय वगैरह बन के रेडी है और भाई सब बढ़िया। पापा जी भी आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। बताओ और बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया। भाई अच्छा दिख रहा है यार चश्मा। और भाई कैसे? बढ़िया। देखता है ब्लॉग्स कि नहीं देखता? देखता हूँ भैया। बता मैं कल किधर था? कल पता नहीं है, बस कल का नहीं याद है ना, देखता नहीं है भाई। क्या परसों बता दे, वो शायद वाटर पार्क वाला था। हाँ चल, तो याद है यार, याद है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो कंटेंट की तरफ। तो गाइस मेरी तो इस बच्चे के सुन लिया जिसने चश्मा लिया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को। चश्मे के पैसे चाहिए यार EMI पे लिया है गाइस, ये तो सब आपके ऊपर है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मम्मा जी भी आ चुकी है, दोनों तो अपना अलग ही खेलने लग गए हैं कार से। ये कैसे हुआ भाई? ये गिरता पड़ता रहता है गाइस। ये मेरे लास्ट लोगों जब आप देखे तब भी गिर गया था। हाँ। अरे भाई भाई भाई, भाई। हाँ, याद आ गया ना अंकल ने वो लफंगा लफंगा ची यार, गजब बेइज्जती है। हमारी तलवार मिल चुकी है, जब हम अपने घर से उठा के लाए बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के। अरे कहना क्या चाहते हो? एक तो तलवार नहीं है भाई, एक तो अपने घर भी नहीं गया, फिर ये तो सड़क पे पड़ी थी भाई, इसने उठा ली। गाइस लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। शेरा अब क्या होगा तेरा? भाई कहाँ है ये? यही तो नहीं है? नहीं, ये तो हमारी है। ये बड़ा अच्छा था भाई। अब वो बिठाएगा किधर वो तो सोच। अरे भाई भाई, किसी के लंग निकल गए यार। क्या निकल गए? लंग्स। तो भाई टेढ़ा करके तू गलत कर रहा है। मैं सिखाता हूँ। मैं तो फोन लेके भाग गया भाई। A few moments later नाली वाली में ना गिर जाए। ओ भाई यार ये क्या कर रहा है? देखिए बंदे के टायर के निशान क्या कर दिए उसने भाई। फेस ब्लर कर भाई, मेरा तो यही बोलना है ऐसे मत चलाया करो, सेफ ड्राइविंग करा करो, है ना भाई? सही बात है कि नहीं है? बात तो सही है ना? हेलमेट लगाया करो, हेलमेट भी लगाया करो, लगाया करो। तो बच्चों से सीख लो यार, आजकल के बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं। भाई इसका ब्रेक तोड़ दिया है इसने स्किट मारते हुए, अभी खुद ज्ञान दे रहा है, खुद ही ने स्किट मार दी। मैं पकड़ के बैठा, मैं बैठा ही था, उसने मेरे टांग खींची, उसकी गलती थी। मारने का मतलब क्या होता है? क्या बाण में इसी के साथ फंसा हुई क्या होता है? और भाई 52 का 51 बता दे। इक्यावन यार याद है। 51 अच्छा, और 56 ये तो हमें भी पता है यार, इतना तो उसको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। 36 बहुत बढ़िया, मजा आया। अब मेरे को एक बार बता, 61 का मतलब क्या होता है? 61 क्या? 61 का मतलब तो 61 ही होता है भाई। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में 61 कोई सेंस है क्या इस बात का? एग्जैक्ट भाई, जितना दिमाग था ना सारा लगा दिया इसने। एक चीज बता है ना, अगर तू किसी सब्जी वाले के पास जाएगा और वो देखो ऐसे हिंदी में बताएगा रहते, तो क्या बोलेगा? भैया इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश में वो बड़ा चढ़ा के बोलेगा। वो भी ऐसे बोलने लग गया, एक साथ। वो भी ऐसे बोलने लग गया, आलू 61 रुपए किलो। कैसा लगेगा तू खुद बता? थोड़ी बहुत तो हिंदी आनी चाहिए यार, ऐसे हिंदी में गिनती आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये देखो ये जो कैट है, पर्शियन कैट है यार, कितनी क्यूट लग रही है सच्ची में। कितने के लिए तुमने ये? 5 pounds। देखिए गाइस कितनी क्यूट लग रही है, देख लीजिए। हैंडशेक करके दिखा, वो इतनी समझदार नहीं भी टाइम हुआ। हेलो हेलो, नाइस टू मीटिंग यू।
ये देखिए बहुत दिन के बाद कौन आया हमारे ब्लॉग में। अरे मैं तुम्हारी नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हेलो, वाह यार, वेरी नाइस। और बताओ सब बट दिनों से मैं आपको इतना मिस कर रही थी, लाइक कि अगर सब सतुले खेलेंगे ना, आपको पता है मेरा बर्थडे है। मुझे पता है, वो तो बिल्कुल पता है कि आपको पता है यार। और फिर कब कहाँ पे दे रहे हो पार्टी, क्या हुआ? अभी तो कुछ प्लान नहीं आया है, अभी कुछ प्लान नहीं कर रहा इतना। हाय गाइस, देखो गन भैया मिले हमको, इनको सब्सक्राइब। हां बोल दे, बोल दे सब्सक्राइब गाइस। गगन अरे सब्सक्राइब करो हां, और लाइक शेयर कमेंट करो भैया। इतने दिनों बाद आए और उसके और ये फिर से जा रहे हैं कल। और अरे यार बता, मैंने सरप्राइज रखा हुआ है, प्लीज कट कर देना। हां कट कर दी, ये रिद्धिमा ठीक है। हेलो, नाम तो बता अपना। ऋषिता है गाइस इसका नाम। हाँ गाइस, अब देखते हैं, जरूर जरूर। तो क्या सरप्राइज दे रहे हो तुम इसे, कुछ सोचा है? सोचा है? फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। आज तो हमने बहुत मस्ती करी यहाँ पे सच्ची में। अभी बिल्ली अभी आ गई, ये हमेशा मेरे से आगे रहना पसंद करती है, पता नहीं क्यों। अभी सब खाना खाने लग रहा है जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। तो चलो आपको नहा दो, फिर होके मिलता हूँ। यहाँ पे सब खाना खा के फ्री हो चुके हैं, और अभी सब खा रहे आइसक्रीम। तो आज खाने में थी दाल मखानी और पनीर की सब्जी, मैं तंदूरी रोटी। फिर मैं भी नहा धो के फ्री हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, इतना खाना आ चुका है। और चलो आपको सीधा खाना खा के फ्री होके मिलता हूँ। अब सब जा रहे हैं, बाय। बाकी सब भी जा चुके हैं, क्या है मतलब है ना, सब राउंड करने के लिए जा चुके हैं गाइस। मैं अकेला हूँ और मैं क्यों रुका हूँ अभी आपको बताता हूँ। क्या है मतलब गाइस, ये सब बर्तन ना मेरे को धोने हैं गाइस, क्योंकि क्या है मतलब हमने अभी बाइक को नहीं बुलाया है, क्योंकि कल हमें इंदौर जाना है गाइस। अब रिवील हो गया गलती से, क्या ना गाइस के हम इंदौर जाने वाले थे कल। मैं आपको ऐसे बताने नहीं वाला था अभी, मैं आपको कल ही बताने वाला था, लेकिन अब आप बोल ही रहे हो ठीक है चलो, इसलिए कर रहे थे हम तो है ना। हाँ, इसी साथ श्लोक मैं यहीं पेन करता हूँ गाइस। आई होप आपको पसंद आए हो, अगर पसंद है तो कोई लाइक कर देना, क्योंकि बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए तो वो धोने में टाइम लगेगा। तो हाँ, आई होप आपको पसंद आए हो, पसंद है तो कोई लाइक कर देना, अगर आपसे मैं नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब राउंड करके घर पे आ चुका है, अभी सब देख रहे हैं टीवी, और मैं बर्तन धो के फ्री हो चुका हूँ वैसे।